हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। FCI की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे FCI की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया। तो जो दोस्तों, अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। FCI की तरफ से ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आपको 3000 वैकेंसी इस बार रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। 3000 ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें 8 पास कैंडिडेट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एक एक करके आप लोग को सारे जानकारी देने वाला हूँ, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। FCI की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे हर रोज निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है, उसका भी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊंगा, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, चलिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। दोस्तों, FCI की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन करने के लिए कौन कौन सी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हो। मैनेजर की पोस्ट निकल के आया है, जिसमें ग्रेजुएशन पास करने वाले यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन पास करना होगा मैनेजर की इस पोस्ट के लिए, एंड इसी के साथ जो क्वालिफिकेशन है वो है 28 से 35 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2 और 3 के लिए, इसके लिए भी अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, डेफिनेटली आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है 18 से 25 ईयर्स तक यहाँ पे भी रखा गया है। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट निकल के आया है, जिसमें एप्लीकेशन करने के लिए 18 से 25 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएशन डिग्री इन डिसिप्लिन में होना चाहिए, 18 से 28 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 18 से 25। वॉचमैन के लिए 8 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, 18 से 25 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, ये सारे जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया से। तो अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, आप लोग ऑल ओवर इंडिया से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 को नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाला है, मैक्सिमम 25 तक आप लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, एंड 25 मैक्सिमम जो है यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 25, जनरल स्टडीज के लिए 25 तक यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों, अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, डेफिनेटली इसका डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड इसी से आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे भी क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको जो है कंप्लीट करना होगा आपका एग्ज़ाम, एंड इसी के साथ साथ ये जो है सिलेबस भी आपको मेंशन किया गया है। अभी आपको बताऊंगा, FCI की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका सैलरी कितना रहने वाला है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे पोस्ट निकल के आया है, तो इस बार जो है बहुत सारे सैलरी भी आपको मिलेगा अलग अलग से। तो एक एक करके आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो मैनेजर की पोस्ट है, उनमें 40,000 से 71, असिस्टेंट के लिए 23 से 646, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 20 यहाँ पे देख सकते हो 22 से 45, जूनियर ग्रेड के लिए 23 से 46, स्टेनो के लिए सेम, हिंदी टाइप इसके लिए 22 से 45, एंड बट अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो वॉचमैन के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे 18 से 35 ईयर्स तक की एज रिडक्शन आपको मिल जाएगा।
तो ये भी यहाँ पे रखा गया है। एंड यहाँ पे इसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन प्रोसेस रखा गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जहाँ से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को मैं बताऊँगा ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए जो ऑफिशियल लिंक है मैं उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ जहाँ से एप्लीकेशन कर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।